हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूँ आरती एंड टुडेस वीडियो इज अबाउट हाउ टू लुक अट्रैक्टिव। मैंने कुछ स्टाइलिंग के वीडियोस बनाए थे एंड वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था दैट प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू लुक अट्रैक्टिव। दो मुझे नहीं लगता कि यू नो अट्रैक्टिव दिखने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं एंड अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट स्टेप टू लुक अट्रैक्टिव इज Please have a good smile on your face, because a smile is very important and it plays a very important role in you know improving your personality और आपकी आपको आपकी personality को positive और अच्छा दिखाने के लिए। and अगर आप smile करते हो तो आपकी face instantly बहुत ही प्यारी cute सी glowing लगती है। so always keep smiling, always means अगर आप sad हो तो आप smile नहीं कर सकते, but जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, किसी से पहली बार मिल रहे हो, तो प्लीज़ आप अपने फेस पे एक स्माइल ज़रूर रखें एंड अपना जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा काम रखें। सो यही है, फर्स्ट आपको स्माइल करना चाहिए क्योंकि स्माइल करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो प्लीज़ कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो सबसे पहला आपको स्माइल ज़रूर करना चाहिए। अ गुड स्माइल कैन मेक यू लुक अट्रैक्टिव। सो द सेकेंड टिप जो है वो है आपके लिप्स को लेकर, क्योंकि कोई अगर आपको देख रहा है तो उनकी नज़र पहले आपके लिप्स एंड आपके आईज पे ही पड़ती है। तो चैप लिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, फटे हुए होंठ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आप अपने लिप्स की थोड़ी सी केयर करिए। आप अपने लिप्स को डेली तो नहीं बट हफ्ते में एक दो बार स्क्रब करिए, मॉइस्चराइज करिए, लिप बाम ज़रूर लगाइए। रात को भी लिप बाम अप्लाई करके सोइए एंड मॉर्निंग को भी लिप बाम लगाइए। And if you are not comfortable wearing lipstick, then you can apply this tinted lip balm. अगर आप school going girl हो, college going girl हो and आपको lipstick नहीं लगाना है तो आप tinted lip balm लगा सकते हो। And अगर आपको lipstick लगाना अच्छा लगता है तो आप always अपने लिप्स पे लिपस्टिक ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप जब लिपस्टिक लगाते हैं कोई भी पिंक कलर या फिर मॉव ऐसे कलर्स लगाते हैं तो आपके फेस भी इंस्टेंटली ब्राइट लगती है। सो अपने लिप्स की केयर करिए, लिप्स फटे हुए नहीं होने चाहिए, चैप लिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करिए, लिप बाम लगाइए, लिपस्टिक लगाइए एंड आप आई होप इट विल हेल्प यू टू लुक अट्रैक्टिव। ओके, नाउ द थर्ड इज हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने लिप्स के साथ साथ अपने स्किन के भी केयर करनी है। आपको अपनी स्किन केयर रूटीन रेगुलर फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी है, अगर आपकी स्किन में कोई भी दाग धब्बे नहीं है तो आपको मेकअप अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इतना सारा बेस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव टाइम टू योर स्किन एंड आप अपनी स्किन की केयर करिए एंड आप अपने आईज की केयर करिए। आईज के आसपास जो डार्क सर्कल होते हैं, काले घेरे होते हैं, वो ना हो, क्योंकि डार्क सर्कल्स बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको कभी डार्क सर्कल होंगे ही नहीं, बिकॉज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को इंसोम्निया होता है, किसी को माइग्रेन होता है, तो नींद नहीं आती है हमें एंड डार्क सर्कल मेनली नींद ना आने की वजह से या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से ही होती है। तो थोड़ा सा टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए एंड अगर आपको डार्क सर्कल है भी तो होम रेमेडीज आप अप्लाई करिए। जैसे आप कर सकते हैं कुकुम्बर लगा सकते हैं अपने आईज के अराउंड, पोटैटो लगा सकते हैं स्लाइस करके, और पोटैटो और कुकुम्बर जूस मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो अपने आईज की केयर करिए, जो डार्क सर्कल है उसकी केयर करिए, और आप अगर आपकी यहाँ पे उतनी डार्क सर्कल नहीं हो तो बहुत ही अच्छी लगती है, स्किन बहुत फ्रेश लगती है। सो यस, आप अपने आईज की केयर करिए, लिप्स की केयर करिए एंड देन नाउ कम टू हेयर स्टाइल। आप अपने हेयर के भी थोड़ी सी केयर करिए। थोड़ी सी मीन्स अगर आपकी हेयर बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी है तो आप फ्रिज कंट्रोल शैम्पू कंडीशनर यूज़ करिए, फ्रिज को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि फ्रिजी हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी भी हेयर फ्रिजी है, एज यू कैन सी बहुत ही फ्रिजी हेयर है, सो मुझे इसका बहुत केयर करना पड़ता है एंड यहाँ से भी निकलता है।
सो यस जो यहाँ से बेबी हेयर्स निकलते हैं, फ्रिजी हेयर होते हैं, वो पूरे आपके लुक को ख़राब करता है। सो आप अपने हेयर को टेम करिए। आप हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शैम्पू और कंडीशनर अच्छी तरह से यूज़ करके सीरम यूज़ कर सकते हैं, बट आप अपने हेयर की केयर करिए। क्योंकि अगर आपने अच्छे से मतलब अच्छा वाला आउटफिट पहना हो, अच्छा वाला मेकअप किया हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं होगी तो आपकी पूरी लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। सो आप अपने हेयर पे और हेयर स्टाइल पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो माई फोर्थ टिप इज़ आप एक्सेसरीज जो पहनते हैं, ईयर रिंग्स, नेक पीस, बैंगल्स या फिर वॉच, आप इस तरह से पहनिए कि मतलब आप ओवर एक्सेसरीज मत पहनिए, बहुत ही ज़्यादा मत पहनिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही चीप, यू नो, एक बहुत ही अजीब लगता है कि आपने यहाँ पे भी इतना लंबा लंबा ईयर रिंग्स पहन लिया, यहाँ पे भी पहन लिया, यहाँ पे भी पहन लिया, और हाथों में भी बहुत सारा बैंगल्स, बहुत सारी रिंग्स, तो वो बहुत ही ओवर हो जाता है। तो आप अपने एक्सेसरीज को, ज्वेलरी को एकदम बैलेंस करके पहनिए। अगर आप ईयर रिंग, बहुत बड़ी वाली ईयर रिंग पहन रहे है, तो आप नेक पीस मत पहनिए, सिर्फ इयर रिंग पहनिए। कोई अगर आपको देखेगा तो उनका फोकस जो है वो आपकी इयर रिंग पे ही जाएगा, एंड आप अच्छे भी लगोगे। एंड अगर आप बड़ी वाली इयर रिंग भी पहनते हो, बड़े वाला सेट भी पहनते हो, तो बहुत ही कंफ्यूजन लगता है, बहुत ही हॉचपॉच लगता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको ओवर, यू नो, ज्वेलरी ज्यादा नहीं पहननी है, आप बैलेंस करके पहनिए। अगर आप बड़ी वाली इयर रिंग पहन रहे हैं तो आप नेक पीस को स्किप करिए। अगर आप नेक पीस पहन रहे हैं तो आप मांगटीका को स्किप कर सकते हैं, या फिर मांगटीका पहन सकते हैं एंड ईयर रिंग्स को स्किप कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट पीसेस इस तरह से पहन सकते हैं, एंड फिंगर्स में भी आप एक ही रिंग पहनिए। बड़ी वाली पहन रहे हैं तो एक ही रिंग पहनिए। अगर स्टेटमेंट फिंगर रिंग बहुत बड़ी वाली पहन रहे हैं तो एक ही पहनिए। छोटी छोटी पहन रहे तो दो तीन पहन सकते हैं, बट पाँचों उंगली में अगर आप इधर भी पहनोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड अपने हैंड्स में भी अगर आप वॉच पहन रहे तो एक हाथ में वॉच पहनिए, एक हाथ में आप जो भी बैंगल पहनते हैं अगर आप पहनते हैं तो वो पहनिए, बट एक ही हाथ में वॉच भी, बैंगल भी, और बहुत सारा आप मत पहनिए। तो ऑल इन ऑल आपको बहुत ही ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी है, आपको ज्वेलरी में बैलेंस करके पहननी है। ओके, नाउ अनदर टिप जो है वो है ऑलवेज स्मेल गुड। आपको अच्छा स्मेल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आपने कपड़े पहने हो, मेकअप करा हो, हेयर डू करा हो, बट अगर आप किसी के साइड से पास होते हो एंड आपकी, यू नो, बॉडी से बहुत ही अजीब गंदी बदबू आ रही है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो आप ऑलवेज स्मेल गुड। आप परफ्यूम, डियो, आप बॉडी स्प्रे यूज़ करिए। बट इसमें भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप जो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट यूज़ करिए। बहुत ही हार्ड वाली परफ्यूम, हार्डी कहते हैं उसको शायद, वो बहुत, यू नो, एक होता है ना बहुत ज़्यादा स्मेल करने वाली परफ्यूम, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वैसी वाली मत लगाइए। बहुत सॉफ्ट, जिसकी भीनी भीनी, मतलब माइल्ड स्मेल जिसकी हो, वो वाली लगाइए। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की है कि जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में या फिर कहीं पे ट्रैवल करते हैं, तो जो साइड में जो इंसान बैठा हुआ है उसकी परफ्यूम की खुशबू ना बहुत सर तक जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। इस तरह की परफ्यूम्स आप अवॉइड करिए, इससे आपकी जो साइड में अगर कोई इंसान बैठ रहा है तो उसको बहुत तकलीफ होने वाली है। सो आप ऑलवेज चूज़ माइल्ड फ्रेगरेंस, आप माइल्ड परफ्यूम्स, माइल्ड फ्रेगरेंस चूज़ करिए, एंड ऑलवेज स्मेल गुड। आपको परफ्यूम हमेशा ही अप्लाई करना है, एंड रेगुलर मॉर्निंग में आप बात करने के टाइम, शावर लेने के बाद में आप एक माइल्ड फ्रेग्रेंस जरूर अप्लाई करिए। सो अनदर थिंग जो है वो है आपकी नेल्स को लेकर। सो आपकी नेल्स हमेशा क्लीन होने चाहिए। अगर आप नेल पेंट अप्लाई नहीं करते हैं तब भी आप अपने नेल्स को क्लीन रखिए। आपकी नेल लंबी है, नाखून, या फिर शॉर्ट नेल्स है, जो भी है, बट आप अपनी नेल्स को हमेशा ही क्लीन करिए, क्लीन रखिए। एंड अगर आप नेल पेंट अप्लाई नहीं करना चाहते तो जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होते हैं, टॉप कोट, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपकी नेल्स पे अच्छी सी शाइन भी आती है एंड क्लीन भी लगती है। एंड अगर आप नेल पेंट अप्लाई कर रहे हैं तो बार बार आप उस नेल पेंट को चेक करिए कि कहीं निकल तो नहीं रहा है। अगर निकला है तो आप
उसको रिमूव करके फिर से रीअप्लाई करिए, क्योंकि जो नेल्स गंदे नेल्स होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सो आप अपने नेल्स को क्लीन करिए, छोटी छोटी चीज़ों में आप ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दीजिए। तो नेल्स भी बहुत छोटी चीज़ है, बट कभी कभी हम स्किप कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास तो हम स्किप कर देते हैं। बट आपको नेल्स की भी केयर करनी चाहिए, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आप अपने नेल्स को हमेशा ही क्लीन रखिए। सो फ्रेंड्स, ये टिप्स थे हाउ टू लुक अट्रैक्टिव। आप जब दिखते हो आउटसाइड, आप कैसे दिखते हो, किस तरह से आप अट्रैक्टिव दिख सकते हो, ये टिप्स थे। नाउ आई वांट टू गिव सम टिप्स टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए। सो अनदर टिप जो है आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि वो इनर होता है, मतलब वो दिखता बाहर फेस पे नहीं दिखता है। सो द अनदर टिप जो है वो है कॉन्फिडेंस। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, बट आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस में आके बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड जहाँ पे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। तो वैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे लोग अच्छे भी नहीं लगते हैं, बहुत ही चीप लगती है वो हरकत जो है। सो आप कॉन्फिडेंट रहिए, बट आप थोड़ी से आप सुनिए, लोगों को सुनिए, बी अ गुड लिसनर। लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है, आप वो सुनिए, देन अगर आपको उसको बोलना है, आपको बोलने की ज़रूरत है, तभी आप बोलिए, नहीं तो आप कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी जहाँ पर भी आप, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी आप बकबक मत करिए। सो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो हाइट है, वेट है, या फिर आप जिस तरह से आपकी लुक्स है, उसी में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। बट प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनको ही पता होता है सब कुछ, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें उनको ही पता होता है, जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वहाँ पे वो घुस जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, अगर आपको जहाँ भी आपको बोलने की ज़रूरत है वहीं पर बोलिए, एंड लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, बी कॉन्फिडेंट। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स टू लुक अट्रैक्टिव और टू मेक योर पर्सनालिटी अट्रैक्टिव। आप कॉन्फिडेंट रहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो लाइन है उसको समझिए, एंड देन वही है, आप अपनी स्माइल रखिए, एक अच्छी सी स्माइल रखिए अपने फेस पे, अपने स्किन की केयर करिए, अपने डार्क सर्कल्स की केयर करिए, अपने लिप्स चैप्स नहीं होने चाहिए, फटे होंठ अच्छे नहीं लगते हैं। सो यही था मेरा आज का वीडियो, सम टिप्स टू लुक अट्रैक्टिव, और ये मैंने एक रिक्वेस्ट पे बनाई थी। सो आई होप जिसने भी ये रिक्वेस्ट की थी उनको उनका जवाब मिल गया होगा, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को भी प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।